चलो आपका स्वागत करती हूँ हेजी न्यूज में। केबीसी से बाहर हुई अमिताभ बच्चन की बहन सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया लेके और अमिताभ बच्चन जी का हिंट भी समझ नहीं पाई। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, उनका नाम क्या है और वो कैसे खेली और क्या कैसा प्रदर्शन किया केबीसी के शो में। हम सब चीजों के बारे में आज की न्यूज में आपको बताने जा रहे हैं, मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। ज़हीरा रियाज, जिनको एक्चुअली आपने केबीसी में देखा होगा, केबीसी में उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्चुअली केबीसी का शो खेला और जब हॉट सीट पे आई वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अमिताभ बच्चन जी को वो अपना भाई मानती हैं और उसी के साथ जिस तरीके से उन्होंने ये गेम खेली वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे और काफी ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छा गेम खेल रही थी। और उन्होंने बताया कि उन्होंने बीकॉम की हुई है और उसी के साथ उनसे गणित से जुड़े हुए काफी सारे सवाल पूछे गए जिनका उन्होंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। और इसी बीच में वो एक्चुअली कोई भी लाइफलाइन नहीं ले रही थी और जब 1,60,000 का जब उनके पास सवाल आया तब उन्होंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। और जब 3,20,000 का सवाल आया तब उनको लगा कि शायद ये सही जवाब है, तो उन्होंने उस चीज का सही जवाब देते वक्त एक पॉइंट चुन लिया और जो कि गलत निकला, तो वो 3,20,000 से आकर वो 10,000 पे गिर गए और वहीं से उनको 10,000 रुपया ही लेके जाना पड़ा। और उस दौरान एक्चुअली अमिताभ बच्चन जी ने भी अपनी बहन को कुछ हिंट्स दी थी जो कि वो समझ नहीं पाई। और ये संगली से रहने वाली हैं और इन्होंने बताया कि ये हर रक्षाबंधन पे एक्चुअली अमिताभ बच्चन जी को एक लेटर लिखती है और राखी भेजती हैं और उसी दौरान उनकी काफी सारे ऐसे लेटर्स हैं जो वापस भी आते हैं। तो वहां पर उन्होंने एक लेटर भी दिखाया जहां पर अमिताभ बच्चन जी ने अपनी बहन को वापस लेटर भेजा था जिसमें शहनशाह मूवी के बारे में उन्होंने कुछ मेंशन किया था और ये भी बहुत ज्यादा खुश हुई थी कि उनके भाई के जो जवाब आया है, जो रक्षाबंधन का जवाब आया है वो पाके काफी ज्यादा खुशी हुई और शो पर भी उस लेटर को लेके आई और अमिताभ बच्चन जी भी काफी ज्यादा अपनी बहन को देख के खुश हुए। जब उन्होंने गलत जवाब दे दिया तो अमिताभ बच्चन जी भी काफी ज्यादा निराश हो गए कि एक्चुअली इतना अच्छा कोई प्लेयर आया था कि जो इतने बहुत अच्छे से खेल रहा था पर एक छोटी सी मिस्टेक के कारण ये सब चीजें गलत हो गई और उनको वहां से 10,000 रुपया ही लेके जाना पड़ा। हालांकि वो तो काफी ज्यादा खुश है कि एटलीस्ट वो अपने भाई से मिल चुकी हैं। तो गाइज, अगर आप भी अमिताभ बच्चन जी के फैन हैं या केबीसी वगैरह आप देखते हैं शो और अगर आपको वहां पर जाना काफी ज्यादा पसंद है और आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, अमिताभ बच्चन जी करके कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर चाहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच डी न्यूज़।